नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 11 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है समाजवादी पार्टी गठबंधन के द्वारा और योगी जी के द्वारा। किसी भी रैली में अगर आप देखेंगे, कहीं से भी स्पष्ट रूप से रोजगार के मुद्दे पर कोई भी बात देखते सुनते आपको नहीं मिलती होगी। वहीं आप देखेंगे कि एक तरफ जहां अल्प अवधि संविदा आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा रही है, दूसरी तरफ विभागों में लेटरल एंट्री के माध्यम से, या फिर आप देखेंगे कि बिना परीक्षा कराए ही किस प्रकार से पदों को भरा जा रहा है, या प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनसे कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा त्रस्त है और वो चाहता है कि हमारे मुद्दे पर अस्पष्ट बात हो। और इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों कि UP SSC जो कि सबसे सुस्त आयोग, और इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करके अगर यहाँ पर सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से अगर समीक्षा की जाए तो ये आयोग का कोई मतलब ही नहीं है। एक भर्ती करवाने में इनको कई साल लग जाते हैं, और इतना ही नहीं, भर्तियों में बड़े स्तर पे धांधली की शिकायत मिली हो या फिर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखेंगे एक नया जुमला आता है PET का। PET के बाद हम हर महीने दो भर्ती कराएंगे, 7-8 महीने होने के बाद एक भर्ती आप नहीं करा पाते हैं। चुनाव है या जो भी है, बहाने कोई ना कोई आ जाते हैं। उसके पहले समय था तो विज्ञापन ही नहीं आ पा रहे थे, विज्ञापन आया तो भर्तियां ही, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। जो परीक्षाएं करवाई जा सकती थी, अब तक कम से कम 6-7 परीक्षाएं करवाई जा सकती थी। जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती आनी चाहिए थी, BDO की नई भर्ती आनी चाहिए थी। कहाँ BDO का एग्ज़ाम ही कराया जाना है, लेखपाल के एग्ज़ाम हो चुके होते, स्टेनो की भर्ती है, AGTA की भर्ती है, शुगर केन सुपरवाइज़र वाली भर्ती है, तमाम भर्तियाँ, लोअर की एक नई भर्ती आनी चाहिए थी। लगभग 1000 से ऊपर पद हैं, लेकिन ये दोस्तों हमारे आपके आंकड़े हैं। अगर अभी वर्तमान सरकार के अगर आंकड़े देख लेंगे, हो सकता है 100 पद भी ना हो लोअर PCS में। APS की भर्ती है, 8-9 सालों से इस भर्ती की विज्ञापन की मांग की जा रही है। ओवर एज हो गए लोग, इंतजार करते करते किस आधार पर पढ़ाई की जाए। करंट अफेयर जो है GK बन जाता है, फिर से करंट अफेयर नया पढ़े। कहीं ना कहीं ये जो पीड़ा है बेरोजगार अभ्यर्थियों की, ये सरकार को समझ में नहीं आ रही। बहुत दुख होता है साथियों सोच करके कि आखिर इतनी संवेदनहीनता कैसे हो सकती है। आपको विकास करना है तो आप सिस्टम को सुधारिए कि आप क्या हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति बिजनेस खोलेगा, कंपनी खोलेगा, या पकौड़े ठेले पर तलने जाएगा, सब्जी बेचेगा। उसको रोजगार चाहिए अपने एजुकेशन के मुताबिक। इसकी एक कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। देखेंगे आप, युवा आयोग के गठन की मांग की जा रही है, उसमें कई तरह की मांग है जो कि पूरा एक मांग पत्र बना करके हर पार्टियों को सौंपा जा रहा है कि हमारी मांग पर विचार होना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है PET समाप्त करके जितने भी भर्तियां हैं उनके विज्ञापन जारी करके उन भर्तियों को करवाया जाए, रिक्तियों को भरा जाए। और ये देखिए अस्पष्ट रूप से, वो ये तो मैं PET को लेकर के कहीं बोला नहीं गया है स्पष्ट रूप से, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है जिससे कहीं ना कहीं लाखों छात्र परेशान हैं। उन्हें ये तक नहीं पता है कि हम आने वाले भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं में शामिल भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आयु सीमा में छूट के लिए स्पष्ट रूप से बोला गया है सभी के लिए। लेटरल भर्ती समाप्त की जाएगी, संविदा या अल्प अवधि की भर्ती समाप्त की जाएगी। 11 लाख के आसपास रिक्त पद भरे जाएंगे। इसमें लोक सेवा आयोग से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, पुलिस है, सेना है, शिक्षा विभाग है, और भी जितने भर्तियां होती हैं राज्य सरकार के अंतर्गत, इन सभी पदों को राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है, आने वाले सरकार के द्वारा बोला गया है, जिसकी भी सरकार बने, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के द्वारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया। माफी चाहूंगा, हमें चीज़ों को यहाँ पर दोस्तों उम्मीद इतनी करके चलते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं होता कि सरकार किसकी बननी, क्या बनना है, हमें उन सब चीज़ों से क्या मतलब था, पॉलिटिकल चीज़ों से, राजनीति से। लेकिन आज युवा इतना त्रस्त है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए वो चाहता है कि पहले से ही चीज़ें जो है पूरी तरह से जस्टिफाई हो, वचन पत्र में शामिल हो तो उसको पूरा किया जाए। आप आज की घोषणा अगर देखेंगे, प्रयागराज में कुछ समय पहले अभी रैली चल रही थी, तो संविदा पर किसी भी विभाग में कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी, उनको रेगुलर किया जाएगा जो पहले से हैं। जो 11 लाख रिक्तियां हैं पूरे प्रदेश में, ये रिक्तियां भरी जाएंगी। देख रहे होंगे यहाँ पर हंडिया प्रयागराज में आज रैली थी। इसके बाद देखेंगे कुछ और भी वादे हैं शिक्षा विभाग से संबंधित। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। IT सेक्टर में 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। जो भी प्रशिक्षण देना पड़े दे करके उनको 22 लाख के आसपास खाली पद सृजित होंगे, उन पदों को भरा जाएगा।
तो ये कुल मिलाकर के साथियों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी, आपकी क्या राय है आप लोग भी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।